तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्रो। गाइस कैसे हो यार आप सब? आई होप गाइस आप सभी भाई लोग एकदम बड़े होंगे। तो यार आज जो है आज जन्माष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस जन्माष्टमी स्पेशल होने वाला है। तो गाइस अभी जो है हम सभी के सभी भाई लोग ना मंदिर में जाके पहले मंदिर को हम पूरे अच्छे तरीके से एकदम डेकोरेट करेंगे। अभी मैं आपको मंदिर में ले चलता हूँ, मंदिर में देखते हैं पहले कितना बहुत डेकोरेशन हुआ है और नहीं हुआ होगा तो थोड़ा हम भी करेंगे, थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। तो चलो चलते हैं यार मंदिर। तो अभी जो है गाइस पहले हम नीचे बेसमेंट में देख कर आते हैं। बेसमेंट में चल रही है सारी की सारी तैयारी। अंदर कमरे में जो है मंदिर है इस साइड, इधर यहाँ पे जीतू भाई को देखो, ये देखो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ पे मंदिर में और यहाँ पे गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मनीषा दीदी, प्रेम भाई हमारे गुब्बारे फुला रहे हैं इधर। इतने सारे गुब्बारे अभी तक फुला दिया है, शाम तक कब तक फूल जाएंगे दीदी बताओ? इतने सारे गुब्बारे तीन चार बजे तक फूल जाएंगे। अच्छा तीन चार बजे तक ऑलमोस्ट मंदिर रेडी हो जाएगा। तो अभी जो गाइस पहले हम चलो नीचे बेसमेंट में दिखा के आते हैं आपको, ठीक है? तो गाइस अभी जो है यार यहाँ पे हम फाइनली नीचे माला वाला रेडी करके आ चुके हैं और अभी बाहर अंकुश भाई और मैं खड़े यहाँ पे टेंट लगाने को देख रहे हैं। टेंट लगाएंगे अभी थोड़ी देर में बस। तो अभी जो प्लान है गाइस इस टेंट को ना, इस टेंट को हम बांधेंगे रस्सी से बांधेंगे, पर यहाँ नहीं बांधेंगे, इस दीवार में नहीं बांधेंगे। वो जो ऊपर वाला घर है आदि भाई का वहाँ पे बांधेंगे, वो जो सरिया आप देख सकते हो छोटे छोटे वहाँ पे बांधेंगे इस टेंट को। तो अभी रस्सी का जुगाड़ कर रहे हैं फिलहाल बाहर। तो गाइस फाइनली अभी हमें यहाँ पे रस्सी मिल चुकी है और अब बांधेंगे हम इस टेंट को वहाँ से आदि भाई की छत से, है ना भाई? चलो फिर आओ, चलो बांधे आ जाओ। अबे इतनी सारी की सारी क्यों निकाल दी एक बार में? तो गाइस फाइनली अंकुश भाई और वहाँ वहाँ पे चले गए रस्सी लेने के लिए। अब मेरे को जाना है उधर वाली छत में बस रस्सी लेने के लिए। किधर से? नीचे इधर है, ठीक है। खेचो खेचो आराम से आराम से। तो फाइनली जो गाइस अभी देखो हमारी गली में टेंट लग चुका है, वहाँ से अंकुश भाई कंप्लीट फाइनली बांध के आ रहे हैं। नीचे देखो A few moments later. तो ये देखो गाइस फाइनली यहाँ पे अब हमारा मंदिर मंदिर एकदम डेकोरेशन से बिल्कुल सज चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, ये देखो चारों तरफ मंदिर में व्हाइट एंड ब्लू रंग के बहुत ही अच्छा वाले गुब्बारे लगा रखे हैं, देखो। ये देखो यहाँ पे चल रही है बच्चों की खेल कूद, हमारे सम्राट। तो गाइस ये रस्सी जो है देखो ये नीचे आ गई है और हमें इसे बराबर में लाना है उस वाली रस्सी के, सेकंड वाली रस्सी, ठीक है? तो अभी बराबर में करने के लिए यहाँ जुगाड़ चल रहा है, देखो सब दोस्तों का अपने अपना ही। ये रस्सी और आ गई नीचे, इसे करनी पड़ेगी ऊपर, हो जाएगी हो जाएगी। इतनी सारी रस्सी है देखो इसे ऊपर करने के लिए। One hour later. तो चलो गाइज आपको अभी एक चीज दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे हमारे जादू भाई कृष्णा बन के तैयार हैं। हाय कर दे, हाय गाइज, हाय। और ये देखो यहाँ पे अंकल आएगा, ये देखो क्या बन रखा है भाई सही में। इसके लिए मैंने ढूंढ लिया, इसके लिए मैंने ढूंढ लिया।
अभिजय गाइस यहाँ पे देखो फोटोग्राफी चल रही है, सब सुदामा कृष्णा के साथ फोटोग्राफी करने में लगे पड़े हैं। सच्चिदं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं परमेश्वर
पूजा खत्म होने के बाद सबको प्रसाद ही मिल गए, प्रसाद खा रहे हैं देखो भैया। और साथ ही साथ में भैया अब सेकंड अरेंजमेंट केक कटिंग का, केक कटिंग अरेंजमेंट को भी जल्दी से शुरू करते हैं। तो फाइनली अभी जो है गाइस हमारी गली में पूरा प्रोग्राम जो है एंड हो चुका है। थोड़े बहुत डीजे में जो है गाइस म्यूजिक बजा रहे हैं कृष्णा जी भगवान के भजन टाइप भजन भजन। तो गाइस अभी जो है मैं फाइनली अपना डिनर करूंगा रात के 1 बजे, लिटरली गाइस रात के 1 बजे आज मैं डिनर करने वाला हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं वहीं पे था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला गाइस डिनर विनर करने का। लंच भी मैंने गाइस करा था, मेरी अराउंड 5 बजे मैंने लंच करा था, और उसके बाद अब जाके मैं 1 बजे अपना डिनर करने वाला हूँ। तो फिलहाल गाइज आई होप गाइज आपने जो है इस ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करा होगा। अगर गाइज ब्लॉग को इंजॉय करा है तो गाइज ब्लॉग में एक लाइक तो जरूर जरूर बनता है, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना गाइज हिमू ब्लॉग्स को। तो गाइज टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो गाइस अभी देखो एक बंदे के साथ हम प्रैंक कर रहे हैं अंकुश भाई, देखो चुपचाप बैठ रहा है, कीर्तन लिखने के लिए बैठा है यहाँ पे, पता भी नहीं है अभी, कुछ पता भी नहीं है, देखो।